अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज डेट है 9 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 8:35 109 ऑफ थल एक्सप्रेस सिर्फ 3 मिनट्स लेट सलाम वाले वलकासिंग पे पहुंच रही है HBU-20 लोकोमोटिव के साथ। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आज आपको देता हूँ मैं हिताची लोकोमोटिव के बारे में, जो कि अब कुछ दिन पहले ही रिफर्बिश्ड होकर आए हैं, जिनमें पहला नंबर है जी HBU-20-8069 और दूसरा है जी HBU-20-8062। ये दो लोकोमोटिव वो हैं जो कि तकरीबन एक मंथ सीडल वर्कशॉप में रहे हैं और अगेन फिर वर्किंग में आ गए हैं, लेकिन कुंदिया शेड अभी तक नहीं पहुंचे। ठीक है, यानी कुंदिया शेड की पावरें हैं 8062-8069, सीडल वर्कशॉप से भी निकल आई हैं लेकिन अभी तक कुंदिया नहीं पहुँची, गुड स्टैंड के साथ मेन लाइन पर वर्किंग कर रही हैं। और लास्ट टाइम मैंने 8062 की कैब राइड की थी सनावा से बखर तक, तो उसमें इंजन जो फ्रंट साइड है ना वहाँ से सारा टूटा हुआ था। ठीक है, कैब व्यू जैसे हम दिखाते हैं ना फ्रंट साइड पर, तो ऊपर वाली जो जगह थी वो सारी टूटी हुई थी। ठीक है, उसमें गड्ढे जैसे बने होते हैं वैसे बने हुए थे और ड्राइवर साइड से 8062 का व्हिसल भी मौजूद नहीं था। यानी जब कोई चीज़ आगे आती थी फाटक पर तो ड्राइवर कहते थे असिस्टेंट को व्हिसल करो व्हिसल करो, तो ड्राइवर साइड का व्हिसल भी नहीं था 8062। उसके बाद फिर 8062 यानी सीरियल वर्कशॉप में गया है, तो तकरीबन 1-1.5 मंथ उधर ही रहा है, अब बन कर वापसी आ गए और मेन लाइन पर वर्किंग कर रहा है गुड्स ट्रेन के साथ। जब हमारे सेक्शन पर आएगा तो हम इसकी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे।
और दूसरा लोकोमोटिव है जी HB 2080-69, वो भी सीरियल वर्कशॉप से निकाला है, यानी हिटाची सीरीज़ का गोंदिया बेस लोकोमोटिव है, और वो भी अभी गुड्स ट्रेन की वर्किंग में मसरूफ है। HB 2080-68, यानी जिसे हम बोलते हैं 8068, वो भी मेन लाइन पर वर्किंग में मसरूफ़ है। अभी वो अहमदाबाद फर्टिलाइज़र ट्रेन के साथ गुजरांवाला के करीब वर्किंग कर रहा है। तो अभी काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स हैं जो सीडियल वर्कशॉप में गए हैं और उनका अभी तक कोई पता नहीं है कि वो वापस आएंगे भी या परमानेंटली डिलीट हो गए। जिनमें सबसे पहला नंबर 8071 का है, HP 2071 जो है तकरीबन 3 साल से वर्किंग से हट गया है, ठीक है। 2020 के बाद 8071 का कोई पता नहीं है कि कहाँ है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सीडियल वर्कशॉप में होगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो परमानेंटली डिलीट होगा या बनेगा, ठीक है। और दो लोकोमोटिव हिटाची सीरीज़ के HB 2080-35 और 8051 जो हैं ये परमानेंटली वर्किंग कर रहे थे 127, 128 और 130, 129 के साथ, लेकिन इनका पता नहीं क्या मसला बना है, इन दोनों लोकोमोटिव को सीडियल वर्कशॉप में ठहरा दिया गया है। अब सुनने में यही बात आ रही है कि इन दो लोकोमोटिव में से एक लोकोमोटिव बनेगा, यानी 8051 बनेगा या 8035 बनेगा, एक लोकोमोटिव परमानेंटली डिलीट होगा। अब समझ ये नहीं आ रही कि लोकोमोटिव तो अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे थे ये दोनों, इनको डिलीट पता नहीं क्यों किया जा रहा है। HB 2080-35 की मैंने खुद कैब राइड की हुई है, यानी मुल्तान से सनामा तक, तो 6 नाचेस और 95 की स्पीड पकड़ती है 8035, इससे ऊपर एक पॉइंट भी नहीं। 95 की स्पीड पर वर्किंग करती थी और जंपिंग भी बहुत ज़्यादा करती थी 8035 लास्ट टाइम जब मैंने कैब राइड की थी इसकी। तो 8035 ने तकरीबन 6 मंथ हमारे सेक्शन पर वर्किंग की है 127 आपके साथ। तो इसमें पता नहीं क्या फॉल्ट है, कोई समझ नहीं आ रही इसको सीरियल वर्कशॉप क्यों भेजा गया। बाकी एक और लोकोमोटिव भी काफ़ी अरसे से सीडियल वर्कशॉप में है, उसको कोई पता नहीं है कि वो वापसी आएगा भी है नहीं। वो है जी HB 2080-8047 जो है लास्ट टाइम गुड्स ट्रेन के साथ गया था सनामा से, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है इस टाइम। तो पहले भी मैंने आपको बताया था हिटाची के जो टोटल 88 लोकोमोटिव आए थे HU-20 और HB-20 में, उनमें 81 से 8029 तक सारे डिलीट हो गए हैं, और HB-20 सीरीज में 8030 से 8088 तक मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा लोकोमोटिव बच्चे भी हुए होंगे। तो सीरियल वर्कशॉप में जो है उनके अलावा 15 से 16 लोकोमोटिव या 20 लोकोमोटिव ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए होंगे। आप ये सोचें टोटल 88 लोकोमोटिव आए थे, ठीक है, 88 में से अब 20 लोकोमोटिव बच गए हैं, तो बाकी लोकोमोटिव कहाँ गए हैं। यानी पहले जब 88 लोकोमोटिव आए होंगे सोचें तो फिर कैसा मंजर होगा, उसके बाद फिर एक लोकोमोटिव गया होगा, दूसरा फिर ख़त्म हो गया होगा, तीसरा, ऐसे करते करते इतना लोकोमोटिव यानी कि ख़त्म हो गए जिनमें से अब 20 या 25 लोकोमोटिव ज़्यादा से ज़्यादा बच गए होंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, वरना कम होंगे। तो बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान रेलवे को तरक्की दे, बस दिन दुगनी रात चुगनी, बाकी हाल तो कोई नहीं है। सारे लोकोमोटिव सीडियल वर्कशॉप में पहुँच गए हिटाची के, तो अब 129 अप भी आ रही है HB-20 लोकोमोटिव के साथ। तो देखते हैं फिर 129 अप लेवल क्रॉसिंग से पास होते हुए, और देखते हैं कि आज इसके साथ कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है, कितनी कोचेज लगी हुई हैं। 129 अप के लिए अब फाटक बंद किया जा रहा है, तो देखते हैं फिर सनामा से पास होते हुए।
लोकोमोटिव 8030। और 9 कुछ इसके साथ 129 55 की स्पीड से पास हुई है।